फ्रेंड्स जय हिंद, मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में जो 165 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और जिसको कि CHO तो चाइनीज हैमस्टर ओवरी होती है, यानी मैमेलियन सेल से हम डिराइव करते हैं, ठीक है। और ये हम तकनीक लगाते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से ये बनाया जाता है, इसलिए इसको ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। इसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन नॉर्मली हमारी किडनी में बनता है और किडनी में बनने के बाद, जैसा कि नाम है एरिथ्रोपोइटिन, ये एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में RBC प्रोडक्शन करता है। और जैसा कि आपको पता है हमारे ब्लड में RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं जो कि हीमोग्लोबिन यानी क्या करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती हैं। और RBC में जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके आगे ले जाने का, बॉडी सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। तो अगर किसी कारण से जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाए या जिडोवुडिन इंड्यूस्ड ट्रीटेड HIV पेशेंट्स हों या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हों, जहाँ पर या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हो, CKD के केसेस में, क्रोनिक किडनी डिजीज में अगर एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, एक लेवल तक नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में RBC प्रोडक्शन सही नहीं होगा। और RBC प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो ऐसे में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, यानी ऑक्सीजन लेवल भी सेल्स तक कम पहुंचेगा। तो ऐसे में जो हमारा ट्रीटमेंट मॉडल होगा वो ये होगा कि हमें क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब ये एरिथ्रोपोइटिन जो है मैमेलियन सेल से डिराइव करते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और ये इसको, इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम फिर पेशेंट को सबक्यूटेनियस या IV रूट से देते हैं। क्यों, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या किसी का हीमोग्लोबिन कम हो तो सभी को दे सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। ये उन्हीं पेशेंट्स को दिया जाएगा जिन लोगों में एरिथ्रोपोइटिन की कमी के कारण एनीमिया हो रहा है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन फैक्टर जहाँ पर दिक्कत कर रहा है वहाँ पर हम एरिथ्रोपोइटिन की सप्लाई बाहर से करेंगे, और जिन पेशेंट्स को हीमोडायलिसिस हो रही हो उनको प्रेफरेबली हम IV रूट से देते हैं, और अदर पेशेंट में हम सबक्यूटेनियस रूट देते हैं। तो देखते हैं हम, ये देखिए हमारे पास एक RPG लाइफ साइंसेस का ब्रांड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन IP बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन अल्फा इंजेक्शन PFS 4000 IU पर 1 ml। यहाँ देखिए PFS का मतलब होता है प्रीफिल्ड सिरिंज, ठीक है, और 4000 IU क्या है, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, ये प्रोटीन्स के केस में दी जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है PFS 4000 IU पर ml, ये आपका फर्स्ट सब फॉर सबक्यूटेनियस SC और इंट्रावेनस यूज ओनली। हम आपको ये भी दिखाते हैं इसकी पैकिंग में, अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये देखिए आपका ये प्रीफिल्ड सिरिंज इस तरह से होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ से इस पैकिंग को बाहर निकाला हमने और फिर हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को फिर देते हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया प्रीफिल्ड सिरिंज को सबक्यूटेनियस इसमें देते हैं। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं लीफलेट में इंफॉर्मेशन दी रहती है कि जैसे अगर जिन पेशेंट्स को हम दे रहे हैं, यहाँ पर मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको कि IU आपने देख लिया, इसमें आपको 4000 IU, 2000 IU, 10000 IU में अवेलेबल है, और ये 1 ml, 0.6 ml, 0.3 ml, 0.5 ml की स्ट्रेंथ में भी, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रोनिक रीनल फेल्योर पेशेंट्स हैं उनको देना है, और आपका जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी दी जा रही है उनको देना है, जिडोवुडिन जो ट्रीटेड HIV पेशेंट्स हैं उनको देना है, और साइमल्टेनियसली हम बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन पेशेंट्स को जब आप ये थेरेपी शुरू करना चाह रहे हैं, इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में देखिए साफ यहाँ मेंशन है कि यहाँ पे हमको आयरन स्टोर्स जो है इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो आपका ये इसमें मेंशन है ट्रांसफेरिटिन सेचुरेशन, तो जो ट्रांसफेरिटिन सेचुरेशन है वो कम से कम 20% होना चाहिए, और दूसरा इसमें लिखा है कि जो फेरिटिन है, फेरिटिन एटलीस्ट 100 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको कंसर्न इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एनीमिया जो जिडोवुडिन ट्रीटेड HIV पेशेंट्स हैं उनमें, और फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इन कैंसर पेशेंट्स ऑन कीमोथेरेपी, या फिर आप देख सकते हैं कि जो आपके सर्जरी के पेशेंट्स हैं वहाँ पे, और जो क्रोनिक रीनल फेल्योर वाले पेशेंट्स हैं वहाँ पे हमें देना होगा।
और एक कंट्राइंडिकेशन है कि कहाँ नहीं देना है, तो यहाँ पे लिखा है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जब भी एरिथ्रोपोएटिन की थेरेपी शुरू करनी है तो पेशेंट को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा उसका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो कंडीशन है उसकी, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को आपको एरिथ्रोपोएटिन नहीं देना है, और अगर फिर भी लगता है कि देना आवश्यक है तो ऐसे में उनकी ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की मॉनिटरिंग बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ये जैसे कि मैंने बताया कि आपका क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट्स अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो पहले मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर बताता हूँ कि जैसे जो पेशेंट एरिथ्रोपोएटिन दिया जा रहा है उनका रीनल फंक्शन और फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और साथ में एक और चीज़ है कि जैसे मैंने बताया हीमोडायलिसिस चल रही है तो आपको आईवी रूट से देना है, बाकी में सबक्यूटेनियस रूट देंगे। और इसके डोजिंग की बात करें तो डोजिंग में अगर बात कर रहे हैं तो इसका 50 to 100 आईयू पर किलोग्राम, आईयू बोले तो इंटरनेशनल यूनिट, 50 to 100 आईयू पर किलोग्राम TIW का मतलब होता है थ्राइस इन ए वीक, एक वीक में 3 बार देना है। और अगर बच्चे को दे रहे हैं तो 50 आईयू पर किलोग्राम थ्राइस इन ए वीक। और एक बात ध्यान रखना है, 1 महीने से ऊपर के जो भी बच्चे हैं, 1 महीने से ऊपर को हम दे सकते हैं, 1 महीने के कम वालों की स्टडी अभी नहीं हुई है। और इसमें आपने देख लिया, मैंने स्ट्रेंथ भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये रही, और एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी पेशेंट को हम ये थेरेपी दे रहे हैं और उसका मान लीजिए हीमोग्लोबिन अगर 1 ग्राम से बढ़ जाता है तो ऐसे में हम डोज को 25% रिड्यूस कर देते हैं, और अगर नहीं बढ़ता है तो ऐसे केस में फिर क्या होता है, हमें डोज को बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें पेशेंट की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। मैं आपको फिर इसको दिखाता हूँ पैक को, कि ये आपका PFS मैंने दिखा दिया। आगे के अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये रही बात हमारे एरिथ्रोपोएटिन के बारे में रही, ठीक है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन 165 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और बने रहिए हमारे YouTube चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।